आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में कहने को तो सुशासन बाबू की सरकार, और सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार अपने करप्शन पर किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बिहार में जिस तरीके से लगातार पुल एक एक करके धड़ाम धड़ाम हो जा रहे हैं सुशासन बाबू की पोल, बिहार में भ्रष्टाचार किस तरीके से कायम है, किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, सुशासन बाबू की जो करप्शन की नीति है, जो कहते हैं करप्शन न करते हैं न होने देते हैं, आखिर उसका कितना असर है, जमीन पर कितना प्रभाव है, आप इस बात से खुद समझ सकते हैं। बिहार में हजारों करोड़ की पुल जो है कब किस वक्त कैसे धड़ाम हो जाए ये कहना मुश्किल है। और पिछले 6 दिनों की अगर बात करें तो लगातार कई जिलों से पुल गिरने की खबरें आ रही है। बात अगर पिछले कुछ महीनों की करें तो बात किशनगंज की हो, अररिया की हो, या फिर उससे पहले आप बात अगर करेंगे बिहार की तो गंगा नदी पर पुल, भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने वाली अगवानी पुल, वो भी 1700 करोड़ की पुल थी, वो भी धड़ाम हो गई। इसके अलावा आज ताज़ा खबर जो निकल कर आई है वो खबर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र यानी कि सिवान से निकल कर आई थी, जहां धमदी नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। लेकिन इसकी खबरें अभी पूरी तरीके से बाजार में तैर ही रही थी, सोशल मीडिया पर चर्चा ही हो रही थी कि अब छपरा में भी गंडक नदी पर बना हुआ पुल धड़ाम से गिर गया, जैसा कि आप वीडियो तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस पुल का निर्माण अगर बात करें तो 2004 में इसका निर्माण हुआ था, और अब पुल जो है 2024 में ही पूरी तरीके से मानसून की पहली बारिश में गिर गई है, जैसा कि आप खुद वीडियो में देख पा रहे हैं। लोगों को अगर माने लोगों जो स्थानीय हैं उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों के समक्ष इसके बारे में शिकायत की गई, अवैध रूप से खनन के खिलाफ बोला गया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं देंगे और आखिरकार ये पुल गिर गया है। इस पुल के गिरने से हजारों की संख्या में आबादी प्रभावित हुई है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। अब जो है पुल जो जिंदगी के लिए, गांव के लिए लाइफ स्टाइल थी, जनजीवन के लिए पूरी तरीके से एक जिंदगी का सहारा था, वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है, टूट गया है। और सिवान की बात करें, धमदी नदी पर जो पुल बना था वो भी टूट गया, उसकी भी अगर बात करें तो वो भी सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया है, दर्जनों गांव कट गए हैं, एक दूसरे से संपर्क खत्म हो गए हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जो पुलें गिर रही, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, बहुत सारे बताए भी जाते हैं, लेकिन असली जो कारण है आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार का भेंट पुल ही चढ़ रहे हैं, और सरकार सुशासन बाबू सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुल का गिरना क्या सचमुच में मेंटेनेंस एक बात हो सकती है, या फिर जो पुल का निर्माण किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा, गुणवत्ता से छेड़छाड़ की जा रही है, सब जो है टेबल के नीचे काम हो रहा है, और पुल अचानक करोड़ रुपया का पुल अचानक धड़ाम से गिर जा रहा, जिससे जनजीवन के साथ साथ लोगों की भी परेशानी हो रही है, और सरकार के राजस्व में भी भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में पुल जिस तरीके से लगातार गिर रहे हैं, मानसून की अभी पहली बारिश पूरे बिहार में हो रही है, अभी बरसात पूरे खत्म भी नहीं हुई है, कितने पुल चले जाएंगे, कितने पुल दह जाएंगे, बह जाएंगे, ये भी एक सवाल है अपने आप में। आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या सचमुच में बिहार में जिस तरीके से सुशासन बाबू सड़क पुल पुलिया के नाम पर लगातार काम कर रहे हैं, लोगों से जनता के बीच में अपनी कामयाबी की बखान कर रहे हैं, क्या सचमुच में उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का एक जरिया रह गया है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी देखा तो रवि बन गए रहते।